तो दोस्तों, आज हम गूगल एनालिटिक्स 4 के इस वीडियो में सीखेंगे, जानेंगे कंप्लीट ओवरव्यू और आपको डैशबोर्ड अच्छे से समझाएंगे कि जो पुराना आपका गूगल यूनिवर्सल एनालिटिक्स था और जो अब ये GA4 का जो डैशबोर्ड है, इनमें क्या फर्क है, क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, इनका UI कैसे चेंज हो चुका है, ताकि आप लोग इजीली इसको समझें, इसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करें और आपको इस सीरीज को, इस कोर्स को सीखने में आसानी हो। तो दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता GA4 की सीरीज लेकर आया हूं ताकि आप लोगों को इन डेप्थ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिले और इसके साथ साथ आप अदर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज भी सीख सकते हो हमारे चैनल से बिना पैसा लगाए। तो दोस्तों, चैनल पर ऑलरेडी 1000 के अराउंड वीडियोस हैं और आने वाले साल में 1000 नए वीडियोस, 30-35 नई सीरीज मिलने वाली है। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ मिस ना करें। तो चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे GA4 और GA3 मतलब गूगल यूनिवर्सल एनालिटिक्स के इंटरफेस में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाएंगे आपको और उसके अलावा आपको ओवरव्यू, थोड़ा स्ट्रक्चर बताएंगे गूगल एनालिटिक्स 4 का, ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोगों को इस कोर्स के बिगनिंग में थोड़ा सा स्ट्रक्चर का आइडिया हो, UI का आइडिया हो, ताकि आपको आगे चल के ईजी हो। तो दोस्तों, अभी मेरे सामने जो ओपन है वो है गूगल एनालिटिक्स 4 का डैशबोर्ड, ठीक है, और यहाँ पर मैंने न्यू टैब में ओपन कर रखा है, दूसरे टैब में गूगल यूनिवर्सल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड, ठीक है। तो जो पुराना डैशबोर्ड था वो कुछ इस तरीके से दिखता था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि होम कस्टमाइजेशन, जिसमें कि आप अपने जो डैशबोर्ड को कस्टमाइज कर सकते हो, आप अपने रिपोर्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है, सेव्ड रिपोर्ट्स जो आपने कर रखी हैं वो एक जगह देख सकते हो, कुछ अलर्ट्स आ रहे हैं वो देख सकते हो, रियल टाइम के अंदर आप जो करंट जो इस समय एक्टिविटीज हो रही है, करंटली जो आपकी वेबसाइट्स में है, वो उससे रिलेटेड सारे के सारे ओवरव्यू, लोकेशन, रिसोर्सेज, कॉन्टेंट, इवेंट, कन्वर्जन सब देख सकते हो। ऐसे ही ऑडियंस का था, ऑडियंस में बहुत सारे अलग अलग रिपोर्टिंग टाइप्स के आप देख सकते थे, अलग अलग तरीकों से आप डाटा एनालाइज कर सकते थे। ऐसे ही दोस्तों एक्विजिशन था, बिहेवियर और कन्वर्जन्स, ठीक है, ये सब थे, और साथ में एट्रीब्यूशन का एक बीटा वर्जन है। एट्रीब्यूशन क्या होता है वो भी हम इस कोर्स में आपको बताएंगे, ठीक है, और एडमिन पैनल होता है। अब यहाँ पर आप इसका ओवरव्यू देखो, यही कंप्लीट डैशबोर्ड पे आपको आप डे सेलेक्ट कर सकते हो, आपको कितने दिन का, महीने, साल का, या कस्टमाइज भी कर सकते हो, ठीक है, और आपको सारा का सारा यहाँ पर डाटा का ओवरव्यू मिलता है। यहाँ पर करंटली वेबसाइट पे कितने लोग हैं वो देख सकते हो और कहाँ कहाँ से हैं फिर से वो देख सकते हो। इनसाइट्स यहाँ पर आप देख सकते हो, जो आपके वेबसाइट के या लैंडिंग पेज के डीप इनसाइट्स हैं वो देख सकते हो। यहाँ पर आप जो सोर्स है एक्विजिशन, कहाँ से आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, वो सारे सोर्सेज देख सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पर इसका पूरा इंटरफेस देख पा रहे हो, सारी डिटेल्स देख पा रहे हो, और अगर आपको गूगल यूनिवर्सल एनालिटिक्स भी सीखना है GA4 के साथ साथ, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो गूगल एनालिटिक्स का एक कंप्लीट कोर्स है, पिछले साल ही लेटेस्ट कोर्स है, अराउंड 7 घंटे का ये कंप्लीट कोर्स है गूगल यूनिवर्सल एनालिटिक्स का, या GA3 का आप कह सकते हो। तो जो लोग सीखना ये भी चाहते हैं वो पूरा सीख सकते हैं कंप्लीट प्रैक्टिकल, और जो लोग GA4 करना चाहते हैं तो करंटली हमारी जो सीरीज चल रही है, कोर्स चल रहा है, उससे सीख ही सकते हो। अब GA4 के लेआउट और इसके अब मैं आपको थोड़ा सा UI दिखा देता हूँ डैशबोर्ड। यहाँ पर होम की जगह हम पहले रिपोर्ट्स में आते हैं। जब हम रिपोर्ट्स में आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा बदलता है। उससे पहले आप ये देखो होम में, अब यहाँ पर 4 सेग्रीगेशन इन्होंने पहले ही कर दी, होम के अंडर रिपोर्ट्स कर दिया, एक्सप्लोर कर दिया, एडवर्टाइजिंग कर दिया और कॉन्फ़िगर कर दिया, जो कि आपको उस इंटरफेस में नहीं दिखता पुराने वाले में।
अब रिपोर्ट्स में जब आएंगे तो एक्विजिशन, एंगेजमेंट, मोनेटाइजेशन, रिटेंशन ये नया आ गया, और डेमोग्राफिक्स, टेक्नोलॉजी वगैरह हर चीज़ यहाँ पर आ गई। प्लस यहाँ पर आप सारे यूजर्स की डिटेल इवन कंपैरिजन कर सकते हो पिछले नए डाटा की, ठीक है, टाइम के हिसाब से कर सकते हो, डेट, मंथ, ईयर के हिसाब से कर सकते हो। यहाँ से आप कंपैरिजन्स एडिट कर सकते हो कि मतलब जो कंपैरिजन्स आपको करना है किसी भी मंथ ईयर के बीच में, ठीक है, आपको किसी को रिपोर्ट शेयर करनी है, आपको डीप इंसाइट्स देखने हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। यूजर्स कहाँ से आए, ठीक है, सेशंस, ठीक है, यहाँ पर हमारे टॉप कैंपेन्स कौन से चल रहे हैं, हमारी कंट्रीज जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारा कंटेंट व्यू हो रहा है, वेबसाइट व्यू हो रही है, या जहाँ से यूजर्स आ रहे हैं, फिर यूजर एक्टिविटीज ओवर टाइम, ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो इवेंट्स हैं, एक्टिविटीज हैं, उनके बेस पे ही GA4 चल रहा है सारा का सारा। तो यहाँ पर इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं, सारे इवेंट्स आप देख सकते हो, व्यू प्रमोशन इतने इवेंट हुए, व्यू टाइम इतने इवेंट हुए, क्योंकि GA4 के अंदर हर एक एक्टिविटी को जो हो रही है आपकी वेबसाइट पे उसको इवेंट का नाम दिया गया है, ठीक है। ये मेजर फर्क है पुराने गूगल यूनिवर्सल एनालिटिक्स में और अब के गूगल एनालिटिक्स 4 में। यहाँ पर हम रिटेंशन कोहार्ट देख सकते हैं, मतलब जो मान लो इस महीने 100 कस्टमर्स आए, यूजर्स आए, फिर अगले महीने उन 100 में से कितने आए, 50 आए, फिर अगले महीने उन जो पहले वाले 100 जो 50 आए थे फिर उनमें से 30 आए, ऐसे करके आप अपनी रिटेंशन साइकिल या कोहार्ट साइकिल देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। और बहुत सारी चीज़ों की रिपोर्टिंग है, तो ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो सारी की सारी चीज़ों को, खुद आप चीज़ों की कस्टमाइजेशन कर सकते हो, सारा डाटा अपने हिसाब से सारा का सारा यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, एक कंप्लीट न्यू डैशबोर्ड अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा आप देखना चाहते हो, जो जो मेन आपको डाटा बिल्कुल रखना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो सारी चीज़ें आप सेट करके यहाँ पर अपना पूरा का पूरा कस्टमाइज कर सकते हो, इसको एक्सप्लोर कर सकते हो जैसे भी आपको करना है। एडवर्टाइजिंग यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सारा एडवर्टाइजिंग का मतलब हो गया पेड, मतलब जहाँ पैसा खर्च करके जहाँ से आपके पास जो रिजल्ट्स आते हैं, तो एडवर्टाइजिंग स्नैपशॉट यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक, उसकी सारी डिटेल्स देख सकते हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो पेड हो, ऑर्गेनिक हो, एफिलिएट्स हो, तो जहाँ जहाँ पर भी आप कर रहे हो उसका एक अलग से इन्होंने एडवर्टीजमेंट का दे दिया है। मगर दोस्तों ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी इस सीरीज के अंदर हर एक सेक्शन के ऊपर वीडियो मिलेगी आपको, मतलब अगर रिपोर्ट्स की हम बात कर रहे हो, रिपोर्ट्स के अंदर भी जितने भी सेक्शंस हैं, ठीक है, तो उन सब के ऊपर हम आपको डिटेल्ड वीडियो देंगे, ट्यूटोरियल देंगे, ताकि आपको इन डेप्थ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिले, ठीक है, ताकि आप चीज़ों को डीपली समझो। तो ये बहुत ही डिटेल्ड सीरीज होने वाली है, कोर्स होने वाला है, जो आपको एक एक चीज़ के बारे में बताएगा, ताकि आप लोगों को एनालिटिक्स का बहुत अच्छे से नॉलेज आए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कॉन्फिगर की। अब कॉन्फिगर के अंदर यहाँ पर आप चीज़ों को अपने हिसाब से कॉन्फिगर कर सकते हो, इवेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हो, न्यू इवेंट्स वगैरह आप क्रिएट कर सकते हो, वो सब करना सिखाएंगे आपको। अभी हम सिर्फ बता रहे हैं, ये सिर्फ एक ओवरव्यू का वीडियो है, ठीक है। फिर कन्वर्जन्स अगर आपको ट्रैक करने हैं, कन्वर्जन से रिलेटेड आपको सारा डाटा देखना है, ठीक है, कोई सेटिंग्स करनी है तो सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। ऑडियंस से रिलेटेड, ठीक है, ऑडियंस ने क्या क्या इवेंट्स कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपने ऑडियंस का देख सकते हो। तो दोस्तों आप जो गूगल एनालिटिक्स 4 ये जो सीखने जा रहे हो, ये कोर्स कर रहे हो हमारे मार्केटिंग फंडास के थ्रू, तो यहाँ पर आप इस न्यू इंटरफेस को देख के और पुराने इंटरफेस को देख के चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो, ताकि अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि पहले कैसा होता था गूगल एनालिटिक्स और अब कैसा होता, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आपको सीखना है पुराना गूगल यूनिवर्सल एनालिटिक्स तो सीख भी सकते हो, नहीं तो आप अब इस पूरी सीरीज को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, जो जो हम सिखाएंगे आपको A to Z सारे फीचर्स, फंक्शंस, रिपोर्टिंग, एक्सप्लोर, एडवर्टाइजिंग, कॉन्फिगर, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, सारा आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कोर्स आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल रहेगा। थैंक यू।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं या कोई नए कोर्स के लिए आप सीखना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हो हमारी एजेंसी से या आप डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेना चाहते हो डायरेक्ट मुझसे तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हो या हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो so that you will get all the updates. Thank you for watching Marketing Fundas.